हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8 का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन, पुश एंड पुल के बारे में, इंटरैक्शन बिटवीन द बॉडीज, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फैक्टर एसोसिएटेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में हम लोग देखते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होता है तो अपने आप वो मूव नहीं करता है, हमको कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है उसको मूव कराने में। जैसे ये बॉय को देखिए, ये टायर जो है मूव कर रहा है, तो बॉय क्या कर रहा है, इस पर एफर्ट लगा रहा है, बॉय इस पर जो एफर्ट लगा रहा है, और ये एफर्ट के कारण ही ये जो है टायर मूव कर रहा है। अगर हमको अपने रूम में एक टेबल है, टेबल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो हम इस पर कुछ एफर्ट लगाएंगे तभी ये मूव करेगा। आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, वी नो दैट वी हैव टू पुश और पुल अ टेबल और अ चेयर इफ वी फिनिश टू चेंज इट्स पोजीशन इन द रूम। अगर हम चाहते हैं कि उसका पोजीशन बदले तो हम उस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जब ऑब्जेक्ट पे पुश किया जाता है चाहे पुल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स बेसिकली पुश और पुल होता है। जब हम बॉडी को पुश करते हैं चाहे पुल करते हैं तो इसी को जो है फोर्स कहा जाता है, यानी हम बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। वी एग्जर्ट अ फोर्स व्हेन वी पुश पुल किक और लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, अपने तरफ खींच रहे हैं, किक उसको कर रहे हैं, चाहे बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर, तो वी आर एग्जर्टिंग फोर्स ऑन इट, हम फोर्स लगा रहे हैं। ये सारे एक्टिविटीज करने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अब वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन और टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है, अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में करने के लिए भी हमको फोर्स लगाना होगा। यानी फोर्स से जो है बॉडी को हम रेस्ट में भी ला सकते हैं और बॉडी को मोशन में भी ला सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि एक फुटबॉल था प्लेग्राउंड पे, उसको हम लोगों ने किक किया तो क्या हुआ, वो मोशन में आ गया, तो फोर्स लगाए हम लोग तो वो क्या हो गया, फोर्स लगाए तो वो मोशन में आ गया। उसी तरह से एक बॉल है, ये बॉल जो है नीचे आएगा, इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया, तो ये नीचे आएगा और ये नीचे आ रहा है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड कर दें तो क्या होगा, ये बॉडी जो है नीचे नहीं आ पाएगा, ये बॉडी मोशन से किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। वी कैन स्टॉप अ मूविंग अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। इसके मोशन का डायरेक्शन इधर था, अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा दी, बॉडी रेस्ट में आ गई। अब हम लोग देखेंगे पुश और पुल एक्शन एक्चुअली क्या होता है। पुश और पुल एक्शन होता है जो हम करते हैं। अ पुश इज अ फोर्स एक्सर्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर ये एक मैन है, ये अपने से दूर इसको फोर्स लगा रहा है तो ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी ऐसा फोर्स जो बॉडी से उसको अवे कर रहा है। अगर अपने बॉडी की तरफ खींचेगा, ये जो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है अपने बॉडी की तरफ खींच रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। यानी हिटिंग है स्नूकर बॉल, अगर एक बॉल को हम हिट करते हैं तो हम क्या किए, उसको पुश किए, अपने से दूर किए। फुटबॉल को किक करते हैं तो वो भी पुश हो गया, पुल किया है। तो टुवर्ड्स द बॉडी फोर्स एक्सर्टेड टुवर्ड्स द बॉडी, अगर बॉडी की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग पुल करते हैं। जैसे ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, वेल से हम एक बाल्टी भर पानी निकालते हैं तो अपने तरफ उसको क्या करते हैं बच्चों, पुल। जैसे ये बकेट हो गया
और ये रोलर हो गया, इससे जो है हम इसको क्या करेंगे, पुल अपने तरफ खींचेंगे तब ये ऊपर आएगा। तो वी आर पुलिंग इट, चाहे टग ऑफ वार में हम लोग अपने तरफ खींचते हैं, जो रस्सी का खींचा खींची वाला खेल होता है अपने तरफ खींचते हैं। एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप डोर को ओपन करते हो तो यू पुश इट, व्हेन यू ओपन द डोर यू पुश इट, एंड व्हेन यू क्लोज द डोर, जब आप डोर को क्लोज करते हो तो आप क्या करते हो, पुल करते हो। आप बाहर खड़े हो, अगर बाहर खड़े हो और डोर को ओपन कर रहे हो तो तुम पुश करोगे, और बाहर खड़े हो कि अगर तुम गेट को बंद करना चाहो तो तुम क्या करोगे, पुल करोगे, अपने तरफ से खींचोगे। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल विच कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ वन बॉडी विद द अनदर। यानी फोर्स जो है पुश और पुल होता है, और ये पुश पुल कब होता है, जब बॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शन क्या होता है, इंटरैक्शन समझो कि वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमने मैग्नेट ले लिया और एक क्वाइन रखा यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं ये क्वाइन जो है मैग्नेट में आके स्टिक कर जाएगा, क्यों, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब हमने क्वाइन यहाँ पे रखा, अब ये नहीं चिपक रहा है, क्यों नहीं चिपक रहा है, क्यों नहीं इस पर फोर्स लग रहा है, इसलिए नहीं फोर्स लग रहा है क्योंकि इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन मैग्नेट एंड दिस क्वाइन। अगर ये आदमी है, इसको हम कहेंगे थोड़ा दूर हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ और यहीं से फोर्स लगा, तो ये नहीं लगा पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका हाथ जब जब अलमीरा को नहीं टच करेगा तो ये इंटरैक्शन नहीं कर पाएगा, और जब इंटरैक्शन नहीं हुआ तो बॉडी फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगी। यानी फोर्स के लिए दो कंडीशन है, पहला बॉडी को पुश और पुल करना होता है, और दूसरा द इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन होगा तो फोर्स लगेगा। अब हम लोग देखेंगे इंटरैक्शन ऑफ वन बॉडी विद अनदर कैन रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में फोर्स तभी लगेगा जब दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा। क्लियर है, ये इंटरैक्शन क्या है, यानी एक दूसरे को या तो वो टच करेगा या दूर ही से उस पर वो इंटरैक्ट करेगा। देखो दूर से भी इंटरैक्शन होता है, अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ग्राउंड है और एक बॉल है ऊपर, बॉल ऊपर से बॉल जो है वो नीचे गिर रहा है, यानी ग्राउंड इस पे फोर्स लगा रहा है तब ये मूव कर रहा है, तो ये इंटरैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, ये टच नहीं कर रहा है तो भी इंटरैक्ट कर रहा है। तो जब तक इंटरैक्शन होगा तब तक जो है बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगी, जैसे इंटरैक्शन सीज करेगा कम होने लगेगा तो फोर्स जो है नो लॉन्गर एग्जिस्ट, फोर्स जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जान लेंगे, फोर्स एग्जिस्ट्स ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ सम इंटरैक्शन, इंटरैक्शन के कारण ही जो है फोर्स एग्जिस्ट करता है। अगर दो बॉडी के बीच में इंटरैक्शन नहीं होगा तो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर एक और चीज देखते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग को लग रहा है कि जैसे कि फोर्स केवल ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे नेचुरल कॉजेज भी होते हैं फोर्स के, जैसे विंड फोर्स लगा सकता है। अगर एक पत्ता जो है सड़क पे गिरा हुआ है, चाहे पेपर का टुकड़ा गिरा हुआ है और विंड ब्लो कर रहा है, तो पेपर के टुकड़े को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, यानी उसको मोशन में ले आया, मोशन में क्यों आया, क्योंकि उस पर फोर्स लगा, तो विंड के द्वारा फोर्स लगा। उसी तरह से बॉल वाला एग्जांपल, बॉल ऊपर से नीचे आया तो ये कोई ह्यूमन बीइंग्स तो कर नहीं रहा है, ये ग्राउंड के कारण हो रहा है। तो बहुत सारे नेचुरल कॉजेज भी होते हैं फोर्स के, उनको हम देख नहीं सकते हैं कि कौन फोर्स लगा रहा है, लेकिन हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं कि ये फोर्स लग रहा है। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट जो है चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन मतलब मोशन के स्टेट को बदलना, इसमें क्या होता है, आइदर चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन और इस डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं
और बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर जाता है। स्पीड क्या हो जाता है, इंक्रीज, स्पीड अप, स्पीड इंक्रीज करता है। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो स्पीड जो है डिक्रीज हो जाता है, गोज डाउन। यानी इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड हो रहा है, यानी हम लोग क्या करें, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर बॉडी का डायरेक्शन, अगर बॉल ऐसे आ रहा है, हमने थोड़ा सा इस तरह से हिट कर गया, तो बॉल का डायरेक्शन अब ऐसे नहीं होके इधर चला जाएगा। अगर बॉल के डायरेक्शन को हमने बदल दिया तो वी हैव चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। स्पीड को चेंज करना चाहे डायरेक्शन को चेंज करना, इसी को कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। टेक अ टॉय ट्रक एंड प्लेस इट ऑन ए स्मूथ सरफेस, जेंटली पुश द ट्रक, इट स्टार्ट्स मूव। एक टॉय ट्रक लेंगे और उसको धीरे से उंगली से जो है पुश करेंगे, क्या करेंगे, पुश। तो ये जो है इधर मूव करने लगी है, यानी ये मोशन में हो जाएगा। ये क्या हो गया, रिस्ट से मोशन में। यानी हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स जो है वो कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, चाहे स्टेट ऑफ मोशन। क्या हुआ, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, यानी बॉडी जो है रिस्ट से मोशन में आ गई। दूसरा क्या, डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन चेंज कैसे कर सकते हैं, तो सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेंगे क्रिकेट बैट्समैन। क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, जब बॉल इस डायरेक्शन से आ रहा और बैट्समैन हिट किया, बॉल का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले इस डायरेक्शन में बॉल था, अब डायरेक्शन ये हो गया, यानी यहाँ चेंज इन डायरेक्शन हुआ, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन को भी क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन यानी मोशन का स्टेट क्या हो गया, बदल गया। तो इस तरह से पहला कॉज हम लोग क्या देखे कि अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, यानी या तो उसका स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करेगा और नहीं तो बॉडी का डायरेक्शन जो है बदल जाएगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर बॉडी का डायरेक्शन बदल रहा हो, चाहे बॉडी का स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हो, तो उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है। अब रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन एन बॉडी अलोंग इन इट्स डायरेक्शन, द मोशन ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। बिल्कुल सिंपल है, अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाइड भी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बॉडी का स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी इज अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द स्पीड विल डिक्रीज। अगर बॉडी का, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिए तो क्या हो जाएगा, इसमें स्पीड जो है बॉडी का डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम एक सर्टेन एंगल पे फोर्स लगाते हैं, अगर हम बॉडी पे सर्टेन एंगल पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा बच्चों, बॉडी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो मोशन का डायरेक्शन है, जिस मोशन, जिस डायरेक्शन बॉडी मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सपोज अगर ये एक बॉल ऐसे आ रहा है, हम इसको इस तरह से इधर से हिट करते हैं तो ये इधर चल जाएगा, आ तो रहा था ऐसे लेकिन हमने इधर से हिट कर दिया, समझ में, इधर से फोर्स लगा दिया, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑल्सो टेल्स अस दैट मेनी अ टाइम द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स डज नॉट फेल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। We do not observe any motion when we are trying to push a heavy stone. अब यहाँ पे एक कंडीशन देखो, एक बहुत भारी पत्थर है और उसको हम धक्का दे रहे हैं, और धक्का दे रहे हैं लेकिन वो तो मूव नहीं कर रहा है, तो गौर सर फोर्स तो लगा है लेकिन स्टेट ऑफ मोशन चेंज क्यों नहीं हुआ। देखो इसको सिंपली ऐसे जानो कि उस स्टोन के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए और ज़्यादा फोर्स लगाना होता। अगर उसको कोई हाथी अपने फोर्स से धक्का देता तो वो मूव कर जाता, यानी
ऐसा नहीं है कि बॉडी पे फोर्स देंगे तो बस स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज हो जाएगा। स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टेट ऑफ मोशन तभी चेंज होगा जब उतने फोर्स से वो बॉडी मूव करेगा। ये हर एक फोर्स से ये जरूरी नहीं कि स्टेट ऑफ मोशन जो है चेंज हो, ये क्लियर है। यानी उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमको और ज्यादा जो है फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जो उसके स्टेट ऑफ मोशन को जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक जनरल एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग पहले एक स्कूल में पढ़ते थे, उसमें जैसे पढ़ते थे हम, वैसे में हम फर्स्ट आ जाते थे। लेकिन मेरा एडमिशन जो 8th क्लास में एक दूसरे स्कूल में हुआ, शहर के बहुत तेज तेज बच्चे जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए। अब क्या हुआ कि उतना ही मेहनत किए लेकिन हम फर्स्ट नहीं आए, थर्ड आ गए। क्यों? क्योंकि वहां जो है फर्स्ट रैंक करने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। उसी तरह जो बड़े स्टोन के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, यानी रेस्ट से उसको मोशन में लाने के लिए, चाहे उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं फोर्स का दूसरा इफेक्ट। फोर्स जो है बॉडी की शेप साइज को चेंज कर देता है। जैसे चपाती बनते हुए देखे होंगे, जब ड्रॉथ को यानी आटे के लोहे के जो हम लोग जब बेलते हैं तो क्या होता है, इसका शेप स्फेरिकल हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, इससे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी का जो है शेप क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जब रबर बॉल को हम लोग दबाते हैं तो इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी हम लोग अपने फिंगर से क्या लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। चाहे एक पॉटर जो है जब अपना पॉट बनाता है तो उस पर वो फोर्स लगाता है तो वो उसको उसका शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये क्लियर हो गया, द चेंज इन शेप और साइज और बोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑन देम। उस पर फोर्स अप्लाइड होता है इसीलिए उसका शेप साइज क्या होता है, चेंज होता है। यानी कोई भी बॉडी अपना शेप साइज चेंज हो गया उस बॉडी का, इसका मतलब उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इससे हम लोग देखेंगे कि फोर्स के कारण चार इफेक्ट होते हैं। पहला क्या है, पहला इफेक्ट क्या है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई एक रेस्ट में जो बॉडी रहता है वो मूव करने लगता है। जैसे ये आदमी जो है लैंड मूवर यानी घास काटने वाली मशीन, वो रेस्ट में है। जब इस पे ये फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, मोशन में आ जा रहा है। सेकेंड क्या है बच्चों, चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जब हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तेजी से पैडल मार रहे हैं, तो ये बाइसाइकिल की स्पीड क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। यानी फोर्स लगाने से बॉडी की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद इसमें क्या है, इसको हम अलग एंगल से किक कर दिया ये बॉय, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज इन डायरेक्शन, फोर्स लगाने से बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आती है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये रोटी बना रहा है, तो ये रोटी बना रहा है तो ये फोर्स लगा के बॉडी के शेप साइज को चेंज कर रहा है। यानी अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो वो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है, उसका डायरेक्शन बदल सकता है, उसका स्पीड इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, उसका शेप जो है वो बदल सकता है। फोर्स कैन कॉज टू और मोर ऑफ ऑल दिस इफेक्ट्स। अगर फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि इसमें एक ही इफेक्ट हो, चाहे एक से ज्यादा इफेक्ट हमको देखने को मिले। यानी एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, सपोज एक बैलून है, उस पर फोर्स लगाते हैं, बैलून है, तो ये पहले तो इस पर फोर्स लगाएंगे तो बैलून का शेप क्या हो, चेंज हो जाएगा कुछ देर के लिए, और ये मोशन में भी आ गया। यानी इसका शेप भी चेंज हो गया और ये मोशन में भी आ गया। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नीडेड। कौन कौन से फैक्टर्स है, अगर मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में हम इस कार को फोर्स लगा रहे हैं और इस ट्रक को फोर्स, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम फोर्स दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, क्या दोनों एक, दोनों मान लेते हैं कि रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या दोनों बॉडी जो है
एक बराबर मूव करेगी। फिर से सोचो, अगर एक छोटा सा बॉल है और एक बड़ा सा बॉल है, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि सेम एक ही बराबर दोनों को हिट कर रहे हैं, तो क्या दोनों बॉल जो है वो सेम जो है डिस्टेंस कवर करेगा, क्या उसका सेम स्पीड रहेगा? आंसर है नो। फोर्स लेकिन एक लग रहा है बॉडी पे, दोनों बॉडी पे जो फोर्स अप्लाइड है वो सेम है, लेकिन जो है बॉडी में जो चेंजेस आएंगे वो सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होगा, इसका मास m है और इसका मास m है, मास ऑफ द ट्रक और मास ऑफ द कार, मास ऑफ द कार जो है वो बहुत कम है मास ऑफ द ट्रक, मास मतलब वेट अभी समझे। तो एक चीज और है कि जो फोर्स है, कि फोर्स के कारण जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस एक चीज और चीज से एसोसिएटेड होते हैं, मास से एसोसिएटेड होते हैं। यानी अगर उतना ही फोर्स अगर हम किसी स्मॉल मास के ऑब्जेक्ट पर लगाए तो उसमें ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, अगर बड़े मास के ऑब्जेक्ट में लगाए तो कम जो है इसका इफेक्ट चाहे नहीं भी देखने को मिलेगा। अगर हम चाहें कोई एक लोडेड ट्रक जो है, लोडेड ट्रक को धक्का देके मूव करा दे तो पॉसिबल नहीं है। दस द मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड द वैल्यू ऑफ द चेंज इन द स्पीड आर बोथ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नीडेड। यानी फोर्स इन दोनों बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी का मास कितना है और बॉडी का स्पीड में कितना चेंज हुआ। अगर मान लेते हैं कि इसके इस पे फोर्स लगाते हैं और इसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और इस पे फोर्स लगाते हैं इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो अगर हम करें किस पे हमने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो कहोगे सर इस पे तो इस पे फोर्स ज़्यादा लगाए क्योंकि स्पीड इसका ज़्यादा इंक्रीज हुआ। लेकिन नहीं, ज़्यादा फोर्स इस पे लगाए, क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो स्पीड चेंज और मास दोनों पे डिपेंड करता है। द स्पीड द चेंज इन इट्स स्पीड आर द बोथ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वैल्यू ऑफ द चेंज इन द स्पीड, ये दोनों पे, लेकिन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इसका ज़्यादा इसीलिए इस पे ज़्यादा फोर्स लगा, ये कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन एक जनरल एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसमें दिक्कत है। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड मतलब स्पेसिफिक वैल्यू, फोर्स का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। सपोज अगर हम कहते हैं कि इस बॉडी पे फोर्स लगाओ, तो तुम इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, तुम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो। तो इसी को कहते हैं फोर्स का क्या होता है, डायरेक्शन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि यहाँ से तुमको पटना जाना है, तो तुम यहाँ से पटना 40 किलोमीटर है, सपोज हमने बताया तुम्हें, अब तुम किसी भी डायरेक्शन में 40 किलोमीटर, यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में 40 किलोमीटर चल लोगे तो पटना आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये 40 किलोमीटर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए बताया गया। तो उसी तरह से बच्चों फोर्स में भी होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है फोर्स का। यानी फोर्स के पास दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अभी इसको याद करना होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक स्केलर होते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों होगा, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, जिसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। और इसका सिंबल क्या है? एफ, कैपिटल एफ से फोर्स को डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t -2। और इसका अदर यूनिट जो है, यानी न्यूटन के अलावा इसका अदर यूनिट डाइन है, ये cgs यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन जब हम पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा। पॉन्ड फोर्स है,
किलो पौंड होता है, पौंडल होता है, किक होता है, ये सारे जो है फोर्स के क्या है बच्चों, फोर्स के यूनिट्स हैं। अब हम लोग स्प्रिंग बैलेंस पढ़ेंगे। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके मदद से हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं। क्लियर है बच्चों? स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम लोग क्या मेजर करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। और इसको, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा ये डिस्कवर्ड हुआ था। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच्ड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसके अंदर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग देखो ना बच्चों, जब इसको खींचते हो तो स्प्रिंग क्या होता है, फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। और यहाँ पे एक मेजरिंग साइड रहता है और ये फैल के मान लेते हैं इस पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये कैलिब्रेटेड रहता है, इसमें मार्किंग रहता है 9, इस तरह से इस पर मार्किंग होता है, ये न्यूटन यहाँ लिखा रहता है। अगर स्टोन को ऐसे खींच रहे, यानी ये जो स्टोन को कौन खींच रहा है, अर्थ इस स्टोन को 5 न्यूटन फोर्स से खींच रही है, ये न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है। क्लियर हो गए बच्चों? तो स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाइड को मेजर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट दो तरह के होते हैं, और कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।